मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण, आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवी की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। एक नाम और, श्री अरविंद घोष, क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा, आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा, उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्म इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं, कई परिवार प्रभावित हुए हैं, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होकर रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के
ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं सफलतापूर्वक कर रहे हैं।